नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। नेपाल के दशरथ स्टेडियम काठमांडू में दिनांक 25 से 30 मई तक आयोजित होने वाली माउंट एवरेस्ट अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2022 के लिए आज भारतीय टीम रवाना। इस टीम में अलग अलग कैटेगरी के बिहार के कुल 10 खिलाड़ियों का चयन इंडिया जैन ड्यूशन कराटे फेडरेशन द्वारा इंडियन टीम में किया गया था। ये सभी खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। टीम के साथ भारतीय टीम के मुख्य कोच सह तकनीकी पदाधिकारी सिहान ए राहुल श्रीवास्तव व टीम मैनेजर सैन शाही शिल्पी सोनम गए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे खिलाड़ियों की सूची इस प्रकार है। सृष्टि भारद्वाज बालिका वर्ग अंडर 11 33 किलोग्राम कुमित फाइट। स्वीटी कुमारी बालिका वर्ग अंडर 14 52 किलोग्राम कुमित फाइट। आश पाहुजा बालिका वर्ग अंडर 17 74 किलोग्राम कुमित फाइट। 4 आस्थानंद महिला वर्ग 45 किलोग्राम कुमित फाइट। 5 क्रशराज बालक वर्ग अंडर 17 45 किलोग्राम कुमित फाइट। 6 सरफराज सिद्दीकी बालक वर्ग अंडर 17 65 किलोग्राम कुमित फाइट। हिमांशु राज बालक वर्ग अंडर 17 73 किलोग्राम कुमित फाइट। नासिर फिरोज पुरुष वर्ग 50 किलोग्राम कुमित फाइट। 9 आशिफ अनवर पुरुष वर्ग 62 किलोग्राम कुमित फाइट। 10 सूरज कुमार पुरुष वर्ग 73 किलोग्राम कुमित फाइट। भारतीय टीम के पदाधिकारी खिलाड़ियों को रस वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स की कोच बबली सिंह, नितेश कुमार, उपासना आनंद, आदित्य कुमार व निर्मल राज के द्वारा तिरंगा झंडा देकर विदा किया गया। साथ में शुभकामनाएं भी दी गई। अमित कुमार बरनवाल। नेपाल के काठमांडू में 8 माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप के लिए इंडियन टीम में चयनित बिहार के 10 खिलाड़ी आज नेपाल के लिए रवाना होंगे। इन खिलाड़ियों के साथ में 2 ऑफिशियल्स भी जा रहे हैं, जिसमें के टीम मैनेजर सचिन शिल्पी सोनम और टीम कोच के तौर पर मैं स्वयं सिहान राहुल सोनम। इन सभी खिलाड़ियों का चयन इंडिया चैंपियनशिप कराटे फेडरेशन के तत्वावधान में किया गया था। इन सभी खिलाड़ियों की सूची में शामिल है सृष्टि भारद्वाज, स्वीटी कुमारी, आश पहुजा, आस्था, सूरज पंडित, हिमांशु राज, क्रिस राज, सरफराज सिद्दीकी, आशिफ अनवर, ओ नासिर फिरोज। यह सभी खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसमें से लगभग 7 खिलाड़ी रास बॉल मार्शल आर्ट के ही है और बहुत ही दिनों से इन लोगों का जो है प्रयास चल रहा था, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से जो है बिल्कुल भी कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं मिला कराटे का। ये 2-3 साल के बाद सब जा रहे हैं, काफी उत्साहित है खिलाड़ी। उम्मीद है कि अच्छी प्रैक्टिस इन लोगों का अच्छा रिजल्ट भी होगा। इन सभी खिलाड़ियों को नीदरलैंड से ग्रैंड मास्टर कांचो स्टार के द्वारा भी बहुत ही उत्साहित प्रोत्साहित किया गया है और अच्छे टिप्स भी बताए गए हैं ताकि अच्छा परफॉर्म कर सके। इन सभी खिलाड़ियों के जाने के मौके पर आइए चंद्रमोहन प्रसाद सिंह जी द्वारा सभी को अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई भी दिए गए हैं। उम्मीद है कि इस बार भारत अच्छा प्रदर्शन करेगा और ज्यादा से ज्यादा मेडल लाएगा। इसी के साथ मैं सिहानी निराउ से बात करूं, कोच इंडियन टीम। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए यूएफटी लाइव टीवी। नमस्कार।